कंडीशन में राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है भाई, यही प्रूफ करना। और वो कौन सी कंडीशन है, वो ये बोल रहा है कि आइसोस्कलस ट्रायंगल एबीसी में यदि हम किसी एक साइड को बढ़ाते एक्सटेंड, हम वन साइड को क्या करें एक्सटेंड, और कितना एक्सटेंड करेंगे जितना वो साइड है, मतलब एबी को एक्सटेंड करना है कितना एडी तक, सच दैट एबी इक्वल एडी। अरे आया yes, और फिर इससे इसको मैच करो, तो ये जो एंगल बनेगा ये पूरा ये 90 डिग्री का एंगल होगा, यही प्रूफ करना है आपको। बात समझ में आ गई क्वेश्चन? yes, अच्छे से क्लियर हो गया। yes, तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन व्हाट इज गिवन, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्कलस ट्रायंगल, एबीसी इज एन आइसोस्कलस ट्रायंगल, एबीसी एक आइसोस्कलस ट्रायंगल, ये हमें गिवन है। दूसरा, जब आइसोस्कलस है तो एबी किसके बराबर हो जाएगा, बताओ सर, एसी के बराबर हो जाएगा। सो प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, बी सी डी एंगल, बी सी डी इक्वल क्या प्रूफ करना है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्या किया गया इस क्वेश्चन में, इसमें कंस्ट्रक्शन किया गया ना, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या किया गया कंस्ट्रक्शन, बी ए प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस टू डी, सो दैट बी ए इक्वल ए बी इक्वल ए बी। अरे आया क्या, यस सर, प्रूफ देखिए इसको, ऐसे प्रूफ आप हमेशा रख लीजिए, याद रखिए, इसके प्रूफ में कोई लॉजिक नहीं, बस आपको याद रखना है। लास्ट में एक थ्योरम यूज होगा, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, और कुछ नहीं। इस थ्योरम में प्रूफ होगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, और ये खत्म हो जाएगा। दो स्टेप का थ्योरम है, ज्यादा थ्योरम नहीं। और ऐसे ऐसे थ्योरम्स में आप लोग है ना इसमें अप्रोच कुछ नहीं होता, इसमें आप स्टेप याद रखिए कि करना क्या है। तो प्रूफ में पहला देख लो क्या बेटा, ए बी, अच्छा सबके एंगल्स मिल जाए, देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये सबके नाम दे देते हैं इजी के लिए थोड़ा, है ना। ये एंगल वन है, ये एंगल ये वाला, ये वाला ये 2 है, ये यहां से लेके इधर 2 है, और यहां से इधर क्या है 4, ठीक है, मतलब एंगल 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, एंगल बी कंप्लीट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए, सिंस ए बी इक्वल ए सी तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, और आया यस सर, इसके इक्वेशन दे दीजिए, ठीक है ना। इसको इक्वेशन दे दीजिए एक्स, ठीक है, ए बी बराबर एसी, इक्वेशन एक्स क्यों है, गिवन है, क्यों ये, और ये क्यों है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल। अरे आया क्या, यस सर। चलिए अब देखिए, एक्स में देखिएगा एबी एसी के बराबर है, और ये ए बी ए डी के भी बराबर है ना, ए बी इक्वल ए डी है क्या, यस सर। इक्वेशन वाई ये क्यों गिवन, अरे आया, यस सर। अब इक्वेशन और एक्स और वाई में देखिए, ए बी एसी के भी बराबर है और ए बी ए डी के भी बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन एक्स वाई एक्स और वाई से क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, ए डी। अरे ए सी एसी किसके बराबर हो जाएगा, एसी एडी एसी के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस सर, एडी एसी के बराबर हो गया, एडी एसी के बराबर होता है एंगल 4 इक्वल एंगल 5। अरे आया, यस सर, क्यों एंगल पूरा लिख लेंगे, क्लियर है, तो इक्वेशन सेकंड दीजिए। अरे मेरी बात सुनाई क्या, यस सर, सबको, यस सर, सिंपल ही चल रहा है। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, दोनों इक्वेशन में जोड़िए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल
इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल टू प्लस एंगल फोर को मैं क्या बोल सकता हूँ, कंप्लीट एंगल बोल सकता हूँ, ये वाला कंप्लीट एंगल बोल सकता हूँ। एंगल वाई प्लस एंगल फाइव इक्वल, इसको नाम बोलिए इसका बी सी डी, बी सी डी सही है क्या? यस सर। अब ध्यान रखिए, एडिंग बी सी डी एंगल बी सी डी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड साइड दोनों साइड में बी सी डी को ऐड कर रहे हैं, तो बी सी डी इधर भी ऐड करिए, एंगल वन क्या हो जाएगा बताइए तो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल फाइव क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस, मैं क्या प्लस कर रहा हूँ, बी सी डी थोड़ा इक्वल इधर शिफ्ट होकर बैठा है ना, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी, अरे आया? यस सर। देखिए सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, आया? यस सर। क्या हो जाएगा 180, 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस ट्वाइस एंगल बी सी डी, अरे आया? यस सर। लिखिएगा सम ऑफ All the angles of a triangle is 180. यहाँ से क्या हो जाएगा? Angle BCD equals to 180 upon angle BCD equals क्या हो जाएगा? Yes sir. BCD. ठीक है? Yes sir. मतलब वो triangle क्या? Right angle. Clear हो गया? Yes sir. Any doubt तो ये steps याद रखिएगा, कुछ नहीं करना। अच्छा ये ऊपर नीचे क्यों किया, समझ में आया? एक जगह मुझे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बनाना, ठीक है, इसी तरह से।